वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? सो लिखो वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस। देखो वर्क डन W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां पे? P मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V, है ना? यानी P V फाइनल माइनस V इनिशियल। इज इट क्लियर? तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं N R T फाइनल माइनस T इनिशियल? लिख सकते हैं ना? तो ये यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा इसका आइसोबेरिक प्रोसेस में। dW बराबर P मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V, डेल्टा V को लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं NR मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, है ना? नेक्स्ट, ये सब समझने का ऐसा कुछ है नहीं इसमें, केवल हमको ये याद रखना है कि भाई इसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं, इसमें अगर हमको इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है, तो V बाई टी भी कांस्टेंट होता है, ये सब बातें हमको याद रखनी है। जैसे नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो चेंज होती है उसको हम कैसे लिखते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस में? लिखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोबेरिक प्रोसेस। कैसे लिखते हैं उसको? हम लिखते हैं डेल्टा U इज इक्वल्स टू एन दिस डेल्टा T, है ना? ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोबेरिक प्रोसेस। नेक्स्ट हीट लिखना हमको, हीट गिवन इन आइसोबेरिक प्रोसेस, हीट को कैसे लिखेंगे हम? हीट को लिखेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना? ये लिख सकते हैं ना? और देखो आगे इसको कैसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको हम और कैसे एक्सप्रेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी प्लस पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये लिख सकते हैं। डेल्टा यू को मैंने ये लिख दिया और डेल्टा डब्ल्यू को मैंने ये लिख दिया पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये तो लिखा था हमने यहां पे। देखो ये डेल्टा डब्ल्यू को क्या लिखा था, तो यहां डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या लिख दिया मैंने, ये पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो हम यहां क्या लिख सकते हैं इसको, देखो एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी प्लस एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये भी लिख सकते हैं इसको। या फिर इसको और अच्छे से लिखना हो, इसी फॉर्म में लिखना हो, तो इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया डेल्टा टी, इसका मतलब यही हो ना डेल्टा टी, तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रोसेस हम लिखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, ये नोट कर लिया होगा। ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं इनमें कुछ इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हमको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार दिया जाता है कि भाई ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, इसमें हमको ये फाइंड करके बताओ, ये फाइंड कर, तो हमको पता होना चाहिए कि भाई इस प्रोसेस में क्या क्या होता है। जैसे अभी दूसरा प्रोसेस मैं बोल रहा हूं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस को हम आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस? आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक प्रोसेस, इस आइसोकोरिक में क्या होता है, V कांस्टेंट होता है। क्या होता है? V कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो V कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम इज क्या हो जाएगा, जीरो।
चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, यही होगा। दैट मीन्स पी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा ना वी कॉन्स्टेंट, तो पी बाई टी इज कॉन्स्टेंट है ना। इसको हम एक लो भी बोलते हैं, कौन सा लो, गे लूसेक लो, इसको गे लूसेक्स लो भी बोलते हैं है ना। नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे इंडिकेटर डायग्राम, इसके सेम वही जो उसमें किया था सब इसमें करेंगे। इंडिकेटर डायग्राम कैसे बनाएंगे इसके, देखो पहला डायग्राम में बना रहा हूं किसके बीच में, पी और टी के बीच में है। कोई से भी बना सकते हैं, वो तीनों डायग्राम हम यहां बनाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया पी और ये हो गया टी। देखो यहां पर वी कॉन्स्टेंट है और पी बाई टी भी कॉन्स्टेंट है। पी बाई टी कॉन्स्टेंट होने का मतलब पी टी ग्राफ की जो स्लोप है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। दैट मीन्स इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट अब वी का चाहे टी के साथ बनाओ तब भी ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, चाहे पी के साथ बनाओ तब भी ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा। मैंने एक ही में बना दिया, हो चाहो तो तुम अलग भी बना सकते हो, ये लो दोनों में स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में लिखते हैं वर्क डन, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि इसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो है। चेंज इन वॉल्यूम क्या है इसमें, जीरो है, इसलिए dW बराबर क्या लिखेंगे हम, P dV यही लिखेंगे, एंड विच इज इक्वल टू जीरो, विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट इसी में इंटरनल एनर्जी अगर हमको लिखनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वो क्या हो जाएगी, डेल्टा U इज इक्वल टू एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी। ठीक है, नेक्स्ट हीट, हीट गिवन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वो क्या हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू, एंड इज इट इक्वल टू एन, ये वाला ठीक है, नोट करेंगे इसको।